हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का पोयम एनी ग्रेगरी, जिसे लिखा है विलियम बटलर ईस्ट ने। तो ये पोयम एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है एक यंग मैन एंड यंग वूमेन के बीच। ये यंग मैन शायद खुद WB ईस्ट हो सकते हैं और ये बातचीत रियल भी हो सकता है, या फिर पोएट इस कन्वर्सेशन को इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो खुद और एनी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो कन्वर्सेशन किस टॉपिक पे कर रहे हैं, तो इस पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में पोएट की कन्वर्सेशन है और सेकंड पैराग्राफ एनी की कन्वर्सेशन है। तो इस पोयम में पोएट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं और फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, यहाँ पे डिस्पेयर का मतलब सैडनेस है, दुख दर्द है, और रैम्पर्ट्स एट योर ईयर्स से पोएट ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक किले को बड़े बड़े बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार जो बाल है ईयर के ऊपर, कानों के ऊपर, वो कानों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पोएट इस स्टेंजा में एनी से कहते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि कभी भी कोई एक लवर आशिक जो तुम्हारे प्यार में दुखी है, वो लवर इंसान तुम्हारे इंटरनल ब्यूटी खूबसूरती के लिए प्यार नहीं करेगा। वो प्यार करेगा तो बस तुम्हारे ये येल्लो कलर्स के हेयर के लिए ही करेगा। तो पोएट ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारे हनी कलर्स येल्लो कलर के जो हेयर हैं, जो तुम्हारे ईयर्स को ढके हुए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये सभी चीज़ तुम्हारी ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। तो बस कोई भी लवर तुम्हें जो प्यार करेगा, वो तुम्हारे इस आउटर बाहरी खूबसूरती के लिए ही प्यार करेगा, ना कि तुम्हारे इंटरनल ब्यूटी के लिए। और आजकल इस दुनिया में यही चल भी रहा है, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो बस पोएट भी एनी को और साथ ही साथ हम सबको भी ये मैसेज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सेकेंड स्टैंजा में एनी कहती है पोएट से, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर में डाई कर सकती हूँ, और ऐसा करने से ये होगा कि जो लोग मेरे प्यार में पागल हो गए हैं, मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के, वो अब मुझे सिर्फ मेरे लिए ही प्यार करेंगे जैसा मैं हूँ, एंड नॉट फॉर माई येल्लो हेयर। तो इस पैराग्राफ में हमें, हम सबको ये भी पता चल रहा है कि जो लड़कियाँ होती हैं या फिर जो एनी है, वो ये चाहती हैं कि जो लड़के हो जो उन्हें प्यार करे, या फिर जो एनी है वो ये चाहती है कि जो लड़के हो जो उन्हें प्यार करते हैं या फिर करेंगे, वो उनकी इनर ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी के लिए उन्हें प्यार करे, ना कि मेरे आँखों, बालों या फिगर या फिर ड्रेसिंग स्टाइल जैसे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के प्यार करे। अगर प्यार करे तो वो मेरी अच्छे क्वालिटी के लिए मुझसे प्यार करे, मेरे अच्छे नेचर के लिए मुझसे प्यार करे। अब थर्ड स्टैंजा में पोएट फिर से कहते हैं एनी से कि पिछले ही रात को उन्होंने, यानी पोएट ने एक रिलीजियस मैन के बातों को सुना था, जो ये बता रहा था कि उसे एक ऐसी रिलीजियस टेक्स्ट बुक मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है, इस वर्ल्ड में सिर्फ गॉड ही, भगवान ही ऐसा है कि जो हम सबको हमारे इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं और ना कि हमारे येल्लो हेयर्स एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। और बस इतना कहकर पोएट ने कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो पोएट इस पोएम में हम सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि लड़कियाँ आखिर क्या चाहती हैं। अगर उन्हें कोई लड़का, लवर प्यार करे तो उस लड़की की क्वालिटी, नेचर, स्वभाव के लिए प्यार करे, ना कि उस लड़की की एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए उसे प्यार करे। और पोएट साथ में ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही हैं हम सबको हमारे इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, ना कि हमारे एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, MCQ कुछ भी चाहिए, तो आप ICSE CBSE नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले। लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।